दोस्तों, स्ट्रेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर मैंने कहा था कि ब्रेन रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करें। उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आज जो है ना, मैं रेस्पिरेशन के ऊपर यानी कि सांस के ऊपर जो वीडियो है जिससे ब्रेन रिलैक्स होता है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले यह कि रिलैक्स होके आपने बैठ जाने का, उसमें थोड़ी सी और पीछे ऊपर बैठ जाइए, रिलैक्स बैठे, रिलैक्स बैठ के और अपने जो है लंबा गहरा सांस लेना है, और सांस लेना है नाक से लंबा गहरा, ऐसे बाहर निकालना है, ऐसे सांस लिया फिर मुंह से बाहर निकालना है, जैसे फूंक मारते हैं, और फूंक से जैसे थोड़ी सी लिप्स हल्के से खोल के उसको सारी बात बाहर निकालते हैं। अब लंबा सांस लेना है, कुछ देर तक रुकना है, लंबा सांस ले, ये ले लिया। अब यहाँ पे रोके रख रहे हैं कुछ देर तक, लाइक 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 दिल में पढ़ना है, उंगलियों के ऊपर ऐसे काउंट कर लेना है और वापस दोबारा ये करनी है। सुबह पैर शाम की एक्सरसाइज करनी है, इससे जो है ना ब्रेन रिलैक्स होगा। इसके अलावा जो दूसरी है वो है कि आपने अपने माइंड के ऊपर करना है कि किस तरह माइंड को आपने अपना कंट्रोल में रखना है, तो वो भी इसके साथ सांस वाली के साथ ही एसोसिएटेड है। जब आपने बैठ जाना है तो आपने सांस लेना है 10 से शुरू करना है और 1 तक का। उसमें कैसे करना है कि आपने अपने ब्रेन से कहना है कि वो देखे कि मैं सांस ले रहा हूँ, और अपनी सारी एनर्जी और अपनी सारी सोचें इस सांस के साथ जोड़े, यानी जो कुछ भी है, जो कुछ आप सोच रहे हैं वो सांस के बारे में सोचना है, और 10 से शुरू करना है, लंबा सांस लेना है, ऐसे ना दस, फिर वापस दो, इसमें उस तरह रुकना नहीं है, बस लेते जाना सांस लंबे गहरे, और ब्रेन के अंदर जो भी सोच आएगी सांस से रिलेटेड आएगी कि ये मैं सांस ले रहा हूँ, या सांस है, या इसमें क्या है, या सांस लेने से मुझे क्या हो रहा है, या मैं क्या फील कर रहा हूँ सांस के साथ, इसके साथ इस तरह करते करते आपने 1 तक आ जाना है। 1 तक जब आप आ जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने जो करना है वो है कि आपने नॉर्मल सांस लेने, फिर लंबे गहरे सांस नहीं लेने, फिर आराम सांस लें, जैसे नॉर्मल सांस लें, नाक से सांस लें, और इसी के बारे में सोचे कि ये जो आप के सांस है, ये मेरे सांस आ रहे हैं, अपने ब्रेन को इसी के ऊपर लगाएं। कोशिश करें 10 से 15 मिनट तक ये वाली एक्सरसाइज करें कि अपने ब्रेन को आपने सांसों के सोचने पे लगाना है कि वो सांस के बारे में सोच रहे, ठीक है। और थर्ड वन है स्क्राइबिंग, यानी कि लिखना है, लाइक भाई को मैंने ये दिया नोट पैड देता हूँ, ये मैंने पैड दिया, ये लिखेंगे, ये आप कागज पेन साथ में पकड़ के बैठ जाएंगे, और ये किसी ऐसी कमरे में चले जाएंगे जहाँ पर कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, और उसमें दरवाजा बंद कर देंगे, लाइक दरवाजे की तरफ आप करेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, हो सके तो उसको लॉक कर दें, ठीक है। अब आपने इस लॉक की तरफ देखना है, उस लॉक की तरफ देखना है, दिखाएं लॉक, ये भाई लॉक की तरफ देख रहे हैं, इन्हें उसकी तरफ देखे जाने और लॉक की तरफ ही देखते रहना, पूरे 7 से 10 मिनट उसकी तरफ देखते रहना, ठीक है। लॉक की तरफ देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और अपने जहन में जो 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 सोचे आएंगी, जैसी 7 से 10 मिनट हो जाए, वो सारी सोचे इन्होंने पेपर के ऊपर लिखते हैं, पहले पेपर कागज पर से लेके बैठ जाने, और इस तरह रोजाना इन्होंने किया करने, लाइक उसकी तरफ देख रहे हैं, 7 मिनट हो गए, ठीक है, आपके जहन में कोई ख्याल आया, जो जो बातें आपके जहन में आई लॉक देखते हुए आपने पेपर के ऊपर वो लिख देंगे। ये है, ये रोजाना की आप रूटीन बना लें, इससे आपके ब्रेन रिलैक्स रहेगा, फोकसिंग पावर बढ़ेगी, कि आप कहीं पे फोकस कर पाते हैं, अच्छा सा फोकस कर पाएंगे, वो फोकसिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, और जो आपका जहन दिमाग जो है पास्ट में या फ्यूचर में भटकता रहता है वो कम भटकेगा, और प्रेजेंट में आप रहना शुरू करेंगे, उससे आपका माइंड का स्ट्रेस लेवल वो बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।